हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएम डिजाइन। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बड़े सा वीडियो लेके आओ। जैसे आप देख पा रहे हो, ये मेरा कंप्लीट मोल्ड है और ये जो हम मोल्ड करेंगे इसको हम बनाएंगे असेंबली में, ठीक है। तो आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने असेंबली में मोल्ड बनाया है। असेंबली में मोल्ड बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको असेंबली में काम आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हम असेंबली में काम किया है। तो दूसरी चीज दोस्तों, आप देखो कि यहाँ पे जो रनर सिस्टम, अलग रनर सिस्टम है, जो मेरा पेड क्लास है, मैं सिखाता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप देखोगे, इजेक्शन सिस्टम जो है यहाँ पे स्प्रिंग से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इजेक्शन जो है यहाँ पे किसमें हुआ है, सिलेंडर से हुआ है। तो बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे मेरा इतना लिफ्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरा इजेक्शन प्रेशर है वो स्प्रिंग झेल नहीं पा रहा है। तो इसको जो है मैं हाइड्रोलिक इजेक्शन किया हूँ, ठीक है। तो ये भी अब तरीका है, बहुत लोगों ने नहीं बताया, और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा सारा मेरा लिफ्टर है। अब देखो दोस्तों, और एक चीज है, हम स्टैंडर्ड से बात करते हैं। जो भी मैं लिप्तर बनाता हूँ, जो भी करता हूँ, सारा स्टैंडर्ड होती है। कौन सी मैं सिस्को लगा रहा हूँ, कहाँ मैं डबल टैप लगा रहा हूँ, कहाँ मैं डबल लगा रहा हूँ, कितना मेरे को एंगल होना चाहिए, सारा स्टैंडर्ड में डाल रखा हूँ। ऑलरेडी वीडियो है, और जिसको भी और डिटेल में क्लास लेना है वो पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हर एक चीज डिटेल में हुआ। यहाँ पे स्लाइडर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। तो ये जो मोल्ड है, इसके हम जो है आज प्रोग्रामिंग करेंगे। तो बेसिकली इस मोल्ड में मैं क्या दिखाऊंगा, इस मोल्ड में मैं आपको कैसे टेक्सिंग करते हैं, किसी मोल्ड पे ऊपर कैसे पॉइंटर चलाते हैं, कैसे कटिंग करना चाहिए, क्या पैरामीटर लेके चलते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, तो सारा चीजें मैं डिस्कस कराऊंगा। तो ऑलरेडी मैंने मोल्ड डिजाइन का बहुत सारा वीडियो बना रखा हो, बहुत सारा कमेंट आ रहा है, सीएनसी के ऊपर वीडियो बनाओ, सीएनसी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो सीएनसी को वीडियो आप मैं डाल लूंगा इसमें। और जो भी मोल्ड डिजाइन की क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से वीडियो डालते रहता हूँ। अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करोगे, इससे भी आपको एडवांस क्लासेस मिलेंगे। तो बेसिकली ये मेरा स्टूडेंट है जिसने बनाया, जो मेरे को फाइल शेयर किया है, वो भी मैं भी वीडियो देख चुका है। दोस्तों, इसकी जो मेन पार्ट है, जो इसकी कोर है, तो इसमें हम टेक्सिंग करेंगे। तो टेक्सिंग करने के लिए कैसा होना चाहिए, मोल्ड डिजाइन में आते हैं। ऑलरेडी मेरा पेड क्लास वगैरह में है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यू दबाया, जो भी मेरा आर्टिकल था सारा चीजें आ गई। तो कंट्रोल डब्ल्यू दबा के मैं दोनों को हाइड कर दिया, ठीक है। और ये जो मेरा पार्ट है, मैं पार्ट को भी हाइड कर दे रहा। तो बेसिकली मेरा जो ये पार्ट है, जो मेरा यहाँ पे कोर है, तो कोर को देखोगे आप, मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाया हूँ। क्योंकि क्यों बनाया हूँ आपको पता होंगे, क्योंकि कहाँ मशीनिंग में दिक्कत आ सकता है, तो हम इन सब से नहीं बनाया, इसको अलग तरीके से बनाया, ठीक है। जो भी हो, अब मैं इसको कोर को इम्पोर्ट करूंगा। मैं इसमें मेरा जो कोर है, तो यहाँ पे मैं टेक्सिंग करूंगा। टेक्सिंग में मैं क्या करूंगा, पहले तो इसमें मैं लिखूंगा कौन सी मटेरियल यूज कर रहा है, और यहाँ पे जो भी है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, जो भी है, है ना। तो यहाँ पे डेढ़ इंच वगैरह डालना है, तो मैं वो चीजें से कैसे मशीनिंग होगा आज बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाऊंगा, पैरासोलिट में जाऊंगा, जो भी मेरा ये कोर है। तो इसको मैं कोई भी एक फाइल कर लूंगा, छोटा फाइल कर लूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा फाइल नहीं बनानी है मेरे को। तो यहाँ पे कोई भी फाइल करके मैं इसको कोर करके सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने कोर नाम से सेव कर दिया है। अब यहाँ पे देख रहे हो, मेरा प्रेशर प्लेट है, तो इसका भी कुछ स्टैंडर्ड होती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आगे वीडियो में। और यहाँ पे मेरा रेस्टिंग बटन वगैरह भी है। तो सारा चीजें मोल में होना चाहिए, आपको क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ऑफसेट गेटिंग करते हैं, तो ऑफसेट गेटिंग केस में हम अलग से स्पेशल ब्लॉक क्यों लगाते हैं, वो भी रीजन होती है। तो हर एक चीज डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम खोलते हैं वीजी में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो फाइल है, तो मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगेगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रोड का बहुत वीडियो बना रखा हो, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे पॉइंटर वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको टेक्सिंग करना पड़ेगा। तो मैं क्या जाऊंगा, यहाँ पे कर्व में जाऊंगा, ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फेस सिलेक्ट करना है, जहां पे भी आपको लिखना है। लेट से मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा फेस है। तो यहाँ पे टेंजेंट फेस सिलेक्ट होगी, तो यहाँ पे हम सिंगल ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को कर्व लेना है, तो कर्व मैं इसको ले लूंगा, ठीक है। अब कर्व भी मेरा टेंजेंट है, मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया में लिखे, तो यहाँ पे सिंगल कर्व कर लो आप, ठीक है। अब ये जो आपका टेक्स्ट है, यहाँ पे हम लिखेंगे एबीएस का, ठीक है। अब एबीएस को आप कैपिटल में लिखना है, ठीक है। और उससे आगे आपको ये सिंबल लगाना है, ठीक है। ये जरूरी है कि हम जो लगाएंगे ये वाली, ठीक है, एबीएस, और आपका यहाँ पे ये वाले सिंबल से लगानी है। अब इसको जो एरियल है, इसको एरियल को सेंस करके आपको कौन सी फॉर्मेट लगानी है। देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सीधे सारे प्रैक्टिकल चीज है, थोड़ा ध्यान से समझ में आया। कोई अगर डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे आपको ये मॉडर्न टेक्स्ट लेना है, ठीक है। तो मॉडर्न लगाना है, इसमें आप थोड़ा सा इसको कम ज्यादा कर सकते हो, लाइक इस तरीके से खींच के, और इसको आप रिवर्स डायरेक्शन भी कर सकते हो। तो हम इसको नीचे की तरफ खींच देंगे, लाइक अब इसको अगर नीचे की तरफ खींचना है, तो ये पॉइंटर खींच के इसको नीचे की तरफ ला सकते हो। फिर उसके बाद इसको इस तरफ ब्रेक कर दो, जो भी मेटेरियल साइज लगाना है आपको। लेट्स से मैं इतना साइज लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ब्रेक करके कम ज्यादा आपको कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप चाहो, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको कम ज्यादा खींच सकते हो, ठीक है।
तो खींचने के लिए आप सेंटर का यूज कर सकते हो, और साइज वगैरह कम ज्यादा करने के लिए आप यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको और थोड़ा सा साइड में ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसकी साइज थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा लाइक इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों सिंबल देना है, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल, आपको इसको डालना है, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर दूंगा, तो ये मेरे मटेरियल जो है नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस था उस सरफेस पे मेरा ये आ गया। अब दोस्तों दूसरी चीज ये है, अब मैं इसको जो मेरा पार्ट है इसमें डेड इंसर्ट लगानी है, तो डेड इंसर्ट के लिए हम क्या करेंगे, जितना की डेड इंसर्ट आती है उसकी हाइट होती है, हर एक कंपनी का स्टैंडर्ड होती है, तो उसके लिए हम वो लगाएंगे। और यहाँ पे मेरा जो पार्ट बन रहा है वो मीडियम है या लार्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यह बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए सेम तरीके से लगानी है आपको, अगर कहीं पे एनग्रेविंग चलाना है उसके लिए आपको अलग करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने बना लिया, अब इसको हम कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने से पहले अगर आप असेंबली में काम कर रहे हो तो एक चीज और ध्यान से सुन लो, असेंबली में काम करोगे तो आपको यहाँ पर रेफरेंस सेट का यूज करना पड़ेगा, या आपको यहाँ पे जाके रेफरेंस सेट का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। रिप्लेस रेफरेंस इसको ऑन कर लेंगे तो इसकी काम आएंगे आपको, अभी असेंबली में नहीं है तो ये शोर नहीं होगा। इसको इसके बिना अगर आप किसी भी फाइल को स्टेप फाइल में देखो, पैरासोलिड में तो आपके ये तो अल्फाबेट तो आएगा नहीं, कुछ भी नहीं आएंगे, तो आपको स्टेप में करना पड़ेगा या IGS में करना पड़ेगा। अब कुछ कुछ प्रोग्रामिंग आपको IGS में नहीं होती, कुछ कुछ स्टेप में होती है या कुछ कुछ पैरासोलिड में होती है, तो आप इसको कैसे लाओगे। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेफरेंस सेट का यूज करना पड़ेगा। अगर रेफरेंस सेट के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं सिखा दूंगा रेफरेंस सेट आपको, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं सिंपली जो है यहाँ पर फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके तो इसको हम कर देंगे स्टेप फाइल। तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको डिटेल में सिखा रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे सिलेक्टेड फाइल लेके नो सिलेक्शन करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी टेक्स्ट है आपको यहाँ पे फाइल में जाके जो यहाँ पे भी सेव करना है, लेट्स से मैं इसको सेव कर रहा हूँ कहाँ पे, डेस्कटॉप में, इसका नाम मैं कोर फाइल करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ, राइट, कोर न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सेव करना है जहां पे भी जिसको डाटा को रखना है। अब मैं इसको ओपन करूंगा विजी में, तो दोस्तों मैंने इसमें शेयर कर लिया है ऑलरेडी, मैंने इसकी पोजीशनिंग ले लिया है। लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कैसे इसकी पोजीशनिंग करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे ABS लिख लिया है जैसे मैंने यहाँ पे डाला था। तो देखो बेसिकली मेरे को ये वीडियो को बनाने का मतलब ये है, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है, अगर आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक नहीं आती, टूल के बारे में नॉलेज नहीं है, कहाँ पे कैसे काम होना नहीं आना है, तो आपको ये सब चीजें नहीं बना पाओगे। क्योंकि कभी बहुत सारा मैंने मोल्ड डिजाइन देखा है, मेरा लाइव प्रैक्टिकल देखा हो कि मोल्ड डिजाइन बना देते हैं बट जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होती है ना वो उस पर है ही नहीं, तो वो मोल्ड डिजाइन कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो आपको जो भी डिजाइन बनानी है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बनानी है आपको, ठीक है, तभी आप अच्छा मोल्ड डिजाइन बना पाओगे। मोल्ड डिजाइन का उसका वैल्यू है जिसको सीएनसी के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, वो होती है प्रैक्टिकल चीजें। तो वीडियो लंबा नहीं करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा जो ये है अब इसको मैं सबसे पहले जाके मैंने जो मेरा कैम नेविगेटर है उसको ऑन कर लिया। फिशर में गया, इसके ऑपरेशन में गया, ऑलरेडी मैं जो ऑपरेशन था इसको मैं चला रखा था, अब मैं इसको दोबारा से बना के आपको दिखाऊंगा। तो इसको फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, देख रहे हो आप, तो इसको मैं हम बताएंगे कैसे काम करना है आपको बेसिकली। तो मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, तो सबसे पहले देखेंगे जहाँ पे मेरा टेक्स्ट है इसको मैं शो कर लेता हूँ। अब अभी अपने को क्या करना है, कैम सेटअप एड ऑपरेशन फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। आपको एक सेकंड इसमें मैं ये चीज आपको ध्यान रख रहा हूँ, जो भी आप करोगे बॉल कॉनिक कटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम जाके क्या ले लेंगे, बॉल कॉनिक कटर, ठीक है। टूल डायमीटर देखो, टूल डायमीटर 4 है, 4 mm के मैं डायमीटर टूल यूज कर रहा हूँ। अब मैं इसमें एक चीज और आपको ऐड करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा पॉइंटर चल रहा है, ठीक है। अगर मेरा पॉइंटर नहीं चल रहा है, मान लो मेरा यहाँ पे ऑपरेशन करना था, इस एरिया में मेरे को पॉकेटिंग करना था, मैंने यहाँ पे ले रखा है से का टूल या मैं सार का टूल ले रखा हूँ। अब रनआउट समझते हो, रनआउट एक्चुअली होता क्या है, जो भी टूल लगाते हो ना, टूल हर टूल की एक रनआउट होता है। अगर टूल इसी जगह में ओवेल करेंगे तो मान लो किसी टूल की रनआउट है, जो आप मशीन यूज कर रहे हो वहां पे इसकी रनआउट है 0.1, अगर आप यहाँ पे सार का टूल लगा रहे हो तो ये जो पॉकेटिंग बन जाएगा ना 4.1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 0.1 का आपका रनआउट है। तो जो टूल घूमेंगे तो टूल राउंड राउंड घूमेंगे तो वाइब्रेट होगा ना, वो टूल वाइब्रेट होगा जिसमें आपका रनआउट है। अगर 0.1 रनआउट है तो वहां पे क्या हो जाएगी, अगर आपको ये 20-20 के है तो ये 20.1 का बन जाएगा टोटल लेंथ। तो इसीलिए जब भी अगर आप पॉकेटिंग कर रहे हो या कंटूरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इसमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमेशा उस केस में आप 4.1 डालोगे।
बट यहाँ पे हम पॉइंटर चला रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें 4 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन पे कटिंग होगा। ये सिर्फ चीजें दोस्तों कोई नहीं बताने वाला है आपको, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो ये चीजें आपको कहीं नहीं बताने वाला है। अब जो भी एक्सपीरियंस बंदे है, जिसको भी जानते हो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, उस बंदे को आप पूछ लो, आपको बता देंगे क्या होता है, ठीक है ना, ओवल क्या होता है, हाइब्रिड क्यों होती है, ये सारा चीजें आपको एक प्रैक्टिकल बंदा ही बता सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे जो है 4 ले लूंगा। तो कोई भी आप प्रोग्राम करो, चाहे आप डेल कैम करो या एनएस कैम करो या मास्टर कैम करो, सारे में आपको डालना पड़ेगा। टूल एंगल में 30 डिग्री का टूल एंगल लाऊंगा यहाँ पे, टीप एंगल, और जो मेरा कॉर्नर रेडियस है हम इसमें 0.1 का रख लेंगे। तो यहाँ पे जो भी है सेट कर लेंगे, फिर कटिंग पैरामीटर में जाएंगे। स्पिंडल स्पीड वगैरह आपको पता ही है, ऑलरेडी मशीन ऑपरेट करते हो आपको पता होंगे। तो मैं यहाँ पे 2500 का डाल रखा है, तो इसको हम सेंस कर देंगे, इसको हम कर देंगे 5000 का। एंट्री फिट 750 है, तो इसको थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि फिट कम देंगे हम इसमें। जो मेरा यहाँ पे 250 का रखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 250 का रखा हूँ यहाँ पे। जो एग्जिट फीड है तो इसको भी हम सेम रखेंगे, जो मेरा मेटल में होगा वो 250 का मैं रखूंगा। सेफ्टी के लिए आपको जो रखना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, आप इसको करके ओके कर दो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों देखो, जो भी मेरा बन के आया इसको सिलेक्ट करके हम ओके कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने कैसे करना है दिखा रखा आपको। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है राइट क्लिक करेंगे इसकी, तो यहाँ पे पासेस ऑलरेडी बनाना बहुत जरूरी है। तो कितना अलाउंस रखना है आपको, अगर मान लो 0.1 रखना है, कुछ रखना है, हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई अलाउ नहीं रखेंगे। प्रोजेक्शन डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट ड्राइव में क्या करना है, जो भी आपकी बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको 1, 2, 3 एज आपको बाउंड्री बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपकी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, तो सारी चीजें एक एक करके हम सिलेक्ट करेंगे। और जो भी चीजें है ध्यान रखें, सारा चीजें सिलेक्ट करना है, कुछ चीजें रहना जाए, लिमिट में जाना है, ओके करना है आपको, ठीक है। लिंक में जाके, लीड में जाके क्लियरेंस आपको सेफ्टी डिस्टेंस रखना है, सेफ्टी डिस्टेंस कितना रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे एक्सेल एक्सेल दोनों का रखना है, इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करना है, अपने को राइट क्लिक करके सेम आपका बिल ऑपरेशन कर देना है। इसको बिल ऑपरेशन में कुछ आपका टाइम लगेंगे, क्योंकि ये जो सारा ऑपरेशन है इसको आपको बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी 2% हो रहा है, 4% हो रहा है, तो यही चीजें है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठाना है। मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम का मारामारी चल रहा है, तो इसके बीच में वीडियो भी बना रहा हूँ, ऑलरेडी दूसरी मेरा वीडियो चल रहा है, क्लासेस भी चल रहा है, हर हफ्ते मेरा नया नया क्लासेस होती है। अगर जो भी ज्वाइन करना है, हर आपको वीकेंड में नया नया क्लासेस ज्वाइन होगा, वहां पे आप कर सकते हो। तो इसको जो फिलहाल के लिए मैं शो कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे जो मेरा प्रोग्राम है वो बन के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेली कटिंग हो रहा है। अब देखोगे इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ऊपर से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकली हो रही है ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इस तरीके से जो है आपको करना है। तो ये हो गई तरीका कैसे पॉइंटर चलाते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा पॉइंटर टूल होता कैसा है, ठीक है। तो पॉइंटर टूल आपको देखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से आपका पॉइंटर आती है। कोई कोई लोग एनग्रेविंग भी करते हैं, बट आई सजेस्ट पॉइंटर चलाओ, क्योंकि मेटल वगैरह हमेशा पॉइंटर से होती है, मीडियम साइज वगैरह जो है पॉइंटर से होती है आपकी। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको बनानी है। इसमें मैं और एक चीज दे रहा हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे पॉइंटर चला है, मैंने कितने का कट किया, बेसिकली हम 0.1 का काटते हैं। तो यहाँ पे मान लो मेरे को 0.2 का काटना है, जो भी काटना है मेरे को, यहाँ पे डेप्थ तो मैंने दिया नहीं, तो फिर भी मेरा काट गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर चला है। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 0.2, 0.3 का कट देना है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पासेस में जाना है, प्रोजेक्शन में यहाँ पे जाके क्लिक करना है, और आपको रफिंग मोड ऑन करना है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन में कितना वैल्यू डालना है, जो भी वैल्यू डालना है आपको, यहाँ पे एक्स वाई जेड हम मान लो 0.2 डाल देते हैं, ठीक है, जो भी डालना है आपको एक्स वाई जेड आप यहाँ वैल्यू डाल सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करके इस अकॉर्डिंग जो सरफेस लेवल है, अब जो भी रखना है आपको एक रखना है, तो इसको हम कर देंगे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है इसकी आप जो कितने एमएम काटना है, कितने एमएम डाउन रहना है, तो उसको कर सकते हो। फिर हम बिल ऑपरेशन करके इसकी जो है बी जो है बिल ऑपरेशन होंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो दो तरीका मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, आपको मजा भी आएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो में इतना ही था, तो अभी प्रोग्रेशन जो है अपना बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर इसी तरीके से वीडियो सही है, तो जो लोग नया जुड़े हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो में डालते रहता हूँ। और जिन लोग को भी एडवांस क्लासेस सही है, जो भी पेड क्लासेस वगैरह सही है, वो नीचे मेंशन नंबर पे कांटेक्ट कर ले, क्योंकि इसी तरीके से मैं क्लासेस वगैरह देते रहता हूँ। पेड क्लासेस में और भी चीजें आपको एडवांस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे यहाँ पे मैं टूल टॉप है, तो कभी कभी यहाँ ऑपरेटर साइड लिखा रखो एक साइड में,
तो ये सब क्या है, किस तरह होना सही है, इसकी क्या फर्क पड़ती है। यहाँ पे जैसे इजेक्शन पिन चला रखा हो, इजेक्शन पिन की जो कटिंग होती है, जेड होती है, रिवर्स टेपर होती है, किस साइज होना सही है, तो हर एक चीज होती, छोटी छोटी चीजें जो हम पेट क्लासेस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर एक चीजें मैं यहाँ पे नहीं डाल पाता, बहुत कुछ चीजें होती है, कुछ कुछ डाटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है जो हम शेयर नहीं करते थे सोशल मीडिया पे या किसी यूट्यूब की प्लेटफॉर्म में। तो वो चीजें जो भी चीजें है, वो भी है, जो भी डाटा है वो पेट क्लासेस में हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियो आपको सही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।